ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में शूद्र जो है वर्ण उसको मंदिर में जाने के लिए क्या शास्त्रों में मतलब निषेध है या वो जा सकता है, पूजन भी कर सकता है कि नहीं प्रतिमा का पार्थिव? आपका नाम क्या है, क्या कह उपाध्याय हैं, बैठ आपको तो कहीं रोका नहीं गया, आपने रोका था, आपको तो नहीं कहीं रोका गया। अच्छा ठीक है। ऐसा है कि श्रीमद् भगवद् गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। स्वकर्मणा तमव्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिं लभते नरः। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 18 श्लोक 45-46 भगवान श्री कृष्ण का कथन है। अपने अपने कर्म के द्वारा मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की समर्था विधिवत करने वाला सिद्धि को प्राप्त होता है। तो सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। परिश्रम से कहीं वंचित किया गया है तो अभी फल से वंचित नहीं किया गया। परिश्रम जो होता है वो फल के लिए होता है या नहीं? हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम फल होता है, फल से किसी को वंचित किया नहीं गया है। इस चीज़ को विश्व स्तर पर ख्यापित करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, आप शूद्र और अनुचर की बात छोड़ दीजिए, मुझे ले लीजिए, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में न देना भी अनुचित है और दे दिया तो बस जेल में हथकड़ी ही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई फांस न सके और सारी बात आ जाए, वो शैली तो अपनानी पड़ती है, समझ गए? नहीं तो हम तो रोजे जेल में जाए। ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि रोज ही जेल में चले जाएँ, और राजनीति कितनी समीक्षा करते हैं कि रोज ही बम गोले बारूद हमको मिले, लेकिन सब जगह सम्मान ही मिलता है, स्नेह ही मिलता है। मैं सन्यासी हूँ, आप शूद्र और दलित की बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, फिर दंडी स्वामी, फिर शंकराचार्य के पद पर हूँ। विश्व में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से सबसे बड़ा पद है। आप कहेंगे राजनीतिक ढंग से तो राष्ट्रपति जी आदि का पद है, ये भ्रम है, क्योंकि भगवत पद आदि शंकराचार्य महाराज ने जो शंकराचार्य के पद की उद्भावना की थी शासकों पर शासन करने के लिए, समझ गए? इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व में सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है, ये ध्यान रखने की बात है। लोग भूल ही गए, शंकराचार्य भी भूल गए कि वो शासकों पर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए। शासकों पर शासन करने का पद है शंकराचार्य का पद। तो एक तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, फिर समय पर यज्ञोपवीत संपन्न, फिर दंडी स्वामी, फिर शंकराचार्य का पद। लेकिन मैं भोजन नहीं बना सकता तो मैं शास्त्र को कोसूंगा या गुरुओं को कोसूंगा या ईश्वर को कोसूंगा। अग्नि स्पर्श नहीं मैं कर सकता, अग्नि का परित्याग करके संन्यास लिया जाता है। तो अभी भोजन बन रहा है और मैं भोजनालय में आपको दिखूंगा नहीं, कभी भोजन बन रहता हुआ सबसे पहले मुझे यह दंड दिया जाए कि आपको भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आप भोजन नहीं बनाते। सबसे पहले हमारे पास भोजन आता है, अगर सन्यासी किसी के घर अतिथि बन के जाए तो गृह के घर के जो व्यक्ति होते हैं बाद में भोजन करेंगे, पहले भोजन न बनाने वाले को पहले भोजन मिलेगा, होता या नहीं? तो मुझे यह दंड नहीं दिया जा सकता कि चूँकि आप आग का स्पर्श नहीं करते हैं, भोजन नहीं बनाते हैं, तो आपको भोजन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं ना। मुझे फल से वंचित नहीं किया जाएगा, फल माने भोजन,
अन्न बना नहीं सकता, भोजन पका नहीं सकता, बना नहीं सकता, लेकिन पा सकता हूँ। मुझे भोजन देने से मना नहीं किया जाएगा। कोई भी शासन तंत्र ये नहीं कहेगा चूँकि ये भोजन नहीं बनाते या बना सकते इसलिए इनको भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। यहाँ तक कि संन्यास जिसने विधिवत संन्यास लिया है, तत्वज्ञान नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम, क्रम से जिसने संन्यास लिया है ब्राह्मण, तत्वज्ञान नहीं है, संयमी है, सदाचारी है, संन्यासोचित रहनी से संपन्न है, देहत्याग के बाद सूर्यमंडल का भेदन करके वह जिस लोक में जाएगा, सम्रांगण में छाती पर गोली खाता हुआ धर्मयुद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाला, वो क्षत्रिय या सैनिक भी उसी गति को प्राप्त होगा। बोलिए कहाँ संन्यास और कहाँ क्षत्रिय, यहाँ निवृत्ति की पराकाष्ठा, वहाँ युद्ध में प्रवृत्ति की पराकाष्ठा होती है। यह शास्त्रों का वचन है, इसीलिए हमने कहा फल चौर्य नहीं है। अब पूरी हमारा एक निर्णय है, रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ आदि के दर्शन में कौन अधिकृत हैं कौन नहीं, हमसे यह समस्या लगभग 108 वर्षों से थी। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने हमको सर्वसम्मत से प्रश्न लिख कर दिया। हमने 4 महीने की अवधि में कई गोष्ठियाँ की और अंत में 40 पृष्ठों का निर्णय दिया, वो आजकल क्रियान्वित है। उसमें हमने बताया था तो एक संकेत करते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर में जिस समय जिस पुजारी की जो पूजा है उसके अतिरिक्त समय में वो उस स्थान पर चला गया तो भगवान को अभिषेक कराया जाता। जिस समय जिस पुजारी की जो सेवा है उस समय वो पुजारी वो सेवा कर सकता है। मान लीजिए भगवान का श्रृंगार करना है तो रत्न वेदी पर तो खाया होगा ना, तब तो फूल आदि देगा। अतिरिक्त समय में वही पुजारी अगर वहाँ चला गया तो भगवान को फिर से स्नान कराया जाएगा, अभिषेक के बाद भगवान फिर पूजन आदि, अभिषेक के बाद पूजन भोग लगाने योग्य बन पाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है, हर समय अधिकृत व्यक्ति भी हर सेवा में क्या अधिकृत नहीं माना गया, पूजन में अधिकृत तो है लेकिन हर समय नहीं वही व्यक्ति। तो कौन व्यक्ति गर्भगृह में जाकर, और आपके यहाँ भी नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं प्राइवेट कक्ष में, या कहीं कहीं कोई बेधड़क चला जाएगा क्या, नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं, तो वो कोई अपराध है क्या, नहीं, लेकिन अपमान तो नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं कहीं तो गोपनीयता होती है। तो परंपरा से भगवत विग्रह के स्पर्श में जो अधिकृत हैं शुद्ध दशा में उनकी सूची है, वो परंपरा से स्पर्श करते हैं। लेकिन कोई गर्भगृह के बाहर रहकर, कोई केवल क्या ध्वज का दर्शन करके, कोई केवल मंदिर के क्षेत्र की परिक्रमा करके पुण्य वही प्राप्त करते हैं, फल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं। अच्छा, कोई देवी की मूर्ति है, कल्पना करो भगवती की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति को देवी को वस्त्र पहना वो जो पूजन में अधिकृत है, और तो पट तो बंद रहेगा, लेकिन उस समय उस पुरुष को, स्त्री भी नहीं, पुरुष पुजारी को देवी के पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाने का अधिकार है या नहीं उसी समय, लेकिन वो अधिकृत होने के कारण दोषी नहीं है। और हम आप अगर नग्न मूर्ति का दर्शन कर लें तो हमको दोष लगेगा। इसलिए देश काल परिस्थिति को देखकर जो नियम बनाए गए हैं वे रागव द्वेष मूलक नहीं हैं। वो क्या हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, जिस उदाहरण को सुनकर कोई फांस नहीं सकता। ये तो पारलौकिक या शास्त्र की बात हो गई, लौकिक दृष्टि से विद्युत का जो विशेषज्ञ व्यक्ति है
वह जब विधि निषेध की मर्यादा निर्धारित करता है कि ऐसे बिजली को छुओ, ऐसे मत छुओ, इस दशा में छुओ, इस दशा में मत छुओ, यहाँ से छुओ, यहाँ से मत छुओ, और अगर द्वेष मूलक है या कोरी भावुकता मूलक है या अज्ञान मूलक है, न ज्ञान मूलक है, न कोरी भावुकता मूलक है, न रागर द्वेष मूलक है, विद्युत का विशेषज्ञ जो विधि निषेध को निर्धारित करने वाला है, वहाँ जो विधि निषेध है प्रयोक्ता विद्युत के लाभ से क्या रहे, लाभ का भोक्ता बन सके, लाभान्वित हो सके प्रयोक्ता और हानि से बच सके। ठीक इसी प्रकार वेदादि शास्त्रों में जो विधि निषेध की प्राप्ति है वो हानि से बचाने के लिए, लाभ देने के लिए। इसलिए शूद्र भी कई प्रकार के होते हैं, समझ गए, तो उनकी सेवा बटी हुई है। अब थोड़ा विचार कीजिए, कुंभकार होता है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले श्री जगन्नाथ जी को इतना भोग लगता था कि 48,000 व्यक्ति महाप्रसाद भरपेट पा सकते थे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को इतना भोग कम से कम लगता था कि 48,000 व्यक्ति भरपेट प्रसाद पा सकते थे। अब इतना लगता है कम से कम कि 12,000 व्यक्ति महाप्रसाद भरपेट सेवन कर सकते हैं, समझ गए, महाप्रसाद भरपेट सेवन कर सकते हैं। तो हमने क्या संकेत किया कि भगवान की मूर्ति जो है वो महाप्रसाद में से तो किसी को वंचित नहीं किया गया ना, महाप्रसाद से किसी को वंचित नहीं किया गया, परिक्रमा से किसी को वंचित नहीं किया गया। जो कुंभकार होते हैं, जिस मिट्टी के हाँड़ी में एक बार भोजन बन गया, दोबारा उसमें नहीं बनेगा भगवान के लिए। और कुकर सिस्टम आजकल कहते हैं ना, भगवान शंकराचार्य का चलाया हुआ यह है, हाँड़ी पे हाँड़ी पे हाँड़ी पे हाँड़ी, कहाँ मिट्टी के हंडी पूरी में, लेकिन सबसे ऊपर के हाँड़ी का भाग पहले पकता है, सबसे नीचे का, हाँ वो भगवान शंकराचार्य की चलाई हुई व्यवस्था है। सबसे ऊपर का चावल जो है, हाँड़ी का चावल पहले पकेगा, सबसे नीचे का बाद में पकेगा। तो आप सोचिए कुंभकारों के लिए जीविका दी या नहीं, हमारे महर्षियों ने, पूर्वजों ने क्या 12,000 व्यक्ति, फिर विवाह आदि के अवसर पर किसी के यहाँ विवाह हमारी ओर से, ये हमारी ओर से कम 12,000 व्यक्ति के भोजन की सामग्री भगवान को भोग लगाते हैं, मिट्टी के पात्र में बनता है, वो मिट्टी के पात्र बिल्कुल नया होना चाहिए, कितनी जीविका। अच्छा, भगवान अभी रथ पर चलेंगे, रथ बनाने वाले तो ब्राह्मण नहीं होंगे ना, बढ़ई होंगे या नहीं, वो रथ दोबारा नहीं काम देगा, हर साल नया रथ बनेगा जगन्नाथ जी के लिए, बलभद्र जी के लिए, सुभद्रा जी के लिए। तो हमारे यहाँ एका क्रिया द्वर्ष करी प्रसिद्धा पद्म पुराण का वचन है, और जगह भी दो ये वचन मिलते हैं, हमारे पास तीन स्थल हैं। एका क्रिया द्वर्ष करी प्रसिद्धा, सनातन धर्मियों का कोई आप प्रकल्प ले लीजिए जिसमें बहुतों का मुँह न मीठा होता हो, बहुतों को लाभान्वित ना होना पड़ता हो। एक उदाहरण देते हैं, आप हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, कम से कम दिल्ली में नवरात्र के अवसर पर 1 अरब रुपये खर्च हो जाते हैं रामलीला के नाम पर, एक के बाद एक प्रतिद्वंद्विता में अनेकों रामलीला। 1 अरब में मेघनाथ बनाने वाले कौन होते हैं? 1 अरब रुपये दिल्ली की जनता, हिंदू जनता रामलीला पर खर्च करती है प्रतिवर्ष। रामलीला में कुंभकर्ण रावण बनाने वाले, मेघनाथ बनाने वाले कौन होते हैं? आतिशबाजी की सामग्री उसमें डालने वाले कौन होते हैं? हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों को ज़्यादा आमदनी। और अपने यहाँ जो बांस के पात्र बनाते थे उन सबको आमदनी होती थी या नहीं पहले? इसका मतलब सनातन धर्म में ऐसा प्रकल्प है कि आर्थिक दृष्टि से भी सबके पोषण का, यहाँ तक विवाह हो तो, यज्ञोपवीत हो तो, श्राद्ध हो तो, सेनाई और ये पीपी पीपी ढोलाल कौन बनाएंगे, सबकी जीविका, बहुतों की जीविका चलती है या नहीं। इसलिए सनातन धर्म में अब प्रश्न उठता है, सबसे बड़ी बात है, आपको फल चाहिए शास्त्र सम्मत,
और विधि विधान चाहिए आधुनिक, नहीं मिलेगा। फल चाहिए आपको शास्त्र सम्मत, तो रागा द्वेष मूलक कोई विधि निषेध नहीं है, उसका अनुपालन करने के लिए आप उत्सुक हो। एक हम बहुत विचित्र बात कह रहे हैं, भामतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है, विधि आप माने या ना माने आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। स्वर्ग कामो यजेत, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो याद कीजिए, नहीं चाहिए मत कीजिए। भामतिकार ने कहा निषेध का की अवज्ञा की, निषेधाज्ञा नहीं माने तो खतरा, सावधान, इतना वोल्टेज, सावधान इतना वोल्टेज, आप नहीं मानेंगे बस गए। इसका अर्थ क्या है, विधि में श्रद्धालु अधिकृत है, निषेध का पालन करने के लिए तो आप बाध्य हैं, अगर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो खतरा ही खतरा है। इसलिए जो अपनी अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके काम करते हैं, मुझे कभी देखा रोटी बांटते हुए, मैं फल तो बांट देता हूँ अपने हाथ से छू के, किसी को देखा है मैं जल पिलाता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा बर्तन मेरे लिए शुद्ध है, मैं अन्न नहीं परोस सकता, मैं जल नहीं परोस सकता। परिस्थिति अलग हो, चक्कर आता हो, हमारे स्वामी जी हमको जल देंगे हम नहीं लेंगे, ये भी सन्यासी हम भी सन्यासी, तो क्या हम अछूत माने गए या हमारे साथ अन्याय माना गया है, ये तो नहीं है ना। इसका मतलब मनोविज्ञान की दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, ये जो भ्रम चल रहा है कि शूद्रों को स्त्रियों को, समझ गए ना, अमुक अमुक से वंचित किया गया, इन भ्रम फैलाने वालों को ये नहीं पता है कि सबसे बड़े पद पर, ऊंचे पद पर होते हैं, सबसे ज़्यादा निषेधाज्ञा उन पर लागू, राष्ट्रपति पर जितने निषेधाज्ञा लागू है, सामान्य व्यक्ति पर है उतने निषेधाज्ञा लागू नहीं ना, राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति होकर ऐसा बोल दिया, एक राज्यपाल जी ने बोल दिया राजस्थान के, बहुत हुल्ला हुआ, आरक्षण को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। अच्छा, शंकर ब्राह्मण पे सबसे ज़्यादा निषेधाज्ञा लागू है, इधर ध्यान नहीं गया, लोगों का ध्यान जाता है कि स्त्रियों पर, शूद्रों पर निषेधाज्ञा लागू है, अरे ब्राह्मणों पर सबसे ज़्यादा निषेधाज्ञा, फिर ब्राह्मण होता हुआ सन्यासी हो, अगर कोई विवाहित होने के बाद सन्यासी हुआ है, अपनी पत्नी का दर्शन कर ले, सचैल स्नान करना पड़े, जैसे हो वस्तु सहित गंगा में सरोवर में डुबकी लगाओ तब जाकर शुद्ध होगे। कल तक जो धर्म पत्नी थी, अगर वही धर्म पत्नी सन्यास के बाद दृष्टिगोचर हो जाए तो सचैल स्नान करना पड़ेगा। अब यह द्वेष हो गया क्या, पहले पत्नी के प्रति राग था, अब द्वेष हो गया क्या, नहीं हुआ ना। तो हमने कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो सन्यासी पर निषेधाज्ञा है, फिर शंकराचार्य हो गए और निषेधाज्ञा है, इसीलिए निषेधाज्ञा चाहे हमारे ऊपर हो, चाहे आपके ऊपर हो, चाहे सूर्य के ऊपर हो, बहुत से कार्य में वह अधिकृत है हम अधिकृत नहीं है, बहुत से कार्य में वे ही अधिकृत हैं हम अधिकृत नहीं हैं, बहुत से कार्य में हम अधिकृत हैं वो अधिकृत नहीं हैं, और सब में सब अधिकृत है या उन्माद है, इससे तो कोई कम्युनिस्टों का राष्ट्र भी नहीं चल सकता। एक और प्रश्न।